नमस्कार दर्शकों, मैं तरुण शुक्ला आज की इस फाइनेंशियल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बढ़ते हमारी पहली खबर की तरफ, जहां सरकार ने विंडफॉल टैक्स को घटा दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने डीजल के एक्सपोर्ट पर होने वाले विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स को घटाकर न्यूनतम यानी 0.50 प्रति लीटर कर दिया है। वहीं जेट फ्यूल पर 0, जबकि घरेलू स्तर पर लेवी उत्पादित कच्चे तेल में मामूली वृद्धि देखने को मिली। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित कच्चे तेल में 4,350 रुपए प्रति टन से 4,400 प्रति टन की बढ़ोतरी आई है। सरकार ने डीजल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को भी 2.5 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है, और इसी तरह से ATF के विदेशी शिपमेंट को 1.5 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 कर दिया गया था। आपको बता दें कि ये नए टैक्स रेट्स 4 मार्च से लागू कर दिए गए हैं। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर, जहां Q3 में भारत की GDP ग्रोथ घटकर 4.4% रह गई। जी हां, सरकारी आंकड़ों के अनुसार इंडियन इकोनॉमी की विकास दर करंट फिस्कल के अक्टूबर-दिसंबर क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए कॉन्ट्रैक्शन के कारण और धीमी होकर 4.4% हो गई। बता दें कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के अनुसार GDP ग्रोथ का आंकड़ा 2021 के तीसरे क्वार्टर में 11.2% रहा और जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक 6.3% रहा। इस फिस्कल के थर्ड क्वार्टर में जोड़ी गई ग्रॉस वैल्यू के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आउटपुट एक साल पहले हुई 1.3% की वृद्धि की तुलना में 1.1% के कॉन्ट्रैक्शन में देखा गया। 2021 से 22 के तीसरे क्वार्टर में GDP की कीमतें 38.51 रुपए की तुलना में 40.19 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया है। NSO ने 2021-22 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी रिवाइज करते हुए 8.7% से 9.1% बताया है। सरकार ने सेकेंड एडवांस एस्टिमेट जारी करते हुए भारत के पूरे साल के 7% GDP एस्टिमेट को रिटेन कर लिया है। पिछले जून सितंबर क्वार्टर में इकोनॉमी 6.3% की दर से बढ़ी थी, जो कि अप्रैल जून क्वार्टर के 13.5% से कम पाई गई। मई 2022 से RBI ने महंगाई से लड़ने के लिए बैंकों के लिए प्रमुख उधार दर में संचयी रूप से 250 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि की है। इस महीने की शुरुआत में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2023-24 में GDP के 6.4% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। पहले क्वार्टर के लिए वृद्धि 7.8% आकी गई है, जबकि ये संख्या दूसरे क्वार्टर में 6.2%, तीसरे क्वार्टर में 6% और चौथे क्वार्टर में 5.8% आकी गई है। हमारी अगली खबर है PMI यानी कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स से संबंधित, जहां PMI जनवरी में 55.4 से फरवरी में थोड़ा कम होकर 55.3 हो गया, जिसे एकदम सपाट सा बदलाव माना जा सकता है। ये क्षेत्र के स्वास्थ्य में मजबूत सुधार के संकेत दे रहा है। हेडलाइन का आंकड़ा इसके लंबे समय के औसत 53.7 से भी ऊपर था। फाइनल फिस्कल क्वार्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने आउटपुट और नए ऑर्डर में मजबूत वृद्धि को बनाए रखा। हालांकि इंटरनेशनल सेल्स एक्सपेंशन के विकास की दर में मंदी देखी गई थी। इसी बीच कंपनियों ने इनपुट प्राइसेस को बढ़ाना जारी रखा और नौकरियों की संख्या में केवल आंशिक रूप से ही विस्तार हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, एनर्जी, फूड स्टफ, मेटल्स और टेक्सटाइल्स, इन सब की बढ़ी हुई कीमतों के साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इनपुट कॉस्ट में और वृद्धि हुई। इन्फ्लेशन ने 4 महीने की बढ़त तो देखी, मगर ये अपने लॉन्ग रन एवरेज से फिर भी कम था और पिछले 2 सालों में सबसे कमजोर भी पाया गया। हमारी अगली खबर में बात हो रही है इथेनॉल की, जहां पेट्रोल में ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला इथेनॉल अब और महंगा हो गया है। दरअसल यूनियन कैबिनेट ने इथेनॉल सप्लाई ईयर 2022-23 के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी OMCs को सप्लाई करने के लिए इथेनॉल ब्रांडेड पेट्रोल प्रोग्राम EBP के तहत बुधवार को विभिन्न शुगर केन बेस्ड रॉ मटेरियल से प्राप्त इथेनॉल की कीमतों को बढ़ाने के लिए मंजूरी दी गई। बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आगामी शुगर सीजन 2022-23 के लिए EBP प्रोग्राम के तहत शुगर केन बेस्ड रॉ मटेरियल से मिलने वाले इथेनॉल की कीमतों को बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है। इथेनॉल की कीमतें कुछ इस प्रकार बढ़ेंगी। सी हैवी मोलासेस रूट से मिलने वाले इथेनॉल की कीमतों को 46.66 पर लीटर से 49.41 पर लीटर बढ़ाया जाएगा। बी हैवी मोलासेस रूट से मिलने वाले इथेनॉल की कीमतों को 59.08 पर लीटर से 60.73 पर लीटर बढ़ाया जाएगा। शुगर केन जूस, शुगर सिरप रूट से मिलने वाले इथेनॉल की कीमतों को
66.45 per liter से 65.61 per liter बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही GST और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी पेबल होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम लागू कर रही है, जहां OMCs 10% तक इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेचती हैं। फिलहाल आज की न्यूज बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। इसी तरह की और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.iid.org.in पर, या फिर संपर्क करें हमारे हेल्पलाइन नंबर्स 7408733333, 7607655555 पर। साथ ही डाउनलोड करें हमारे ऐप एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव को।